हम क्या 2015 में आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाते? याद करिए, जब 2015 के नतीजे निकले थे उस वक्त ये कलम दवात वाले ये बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है जिसने उस वक्त ये कहा कि मुफ्ती सैयद साहब ये गलती मत करिए, मत लाइए बीजेपी को अंदर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मदद ले लीजिए, हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ना एमएलसी चाहिए, हमें ना राज्यसभा चाहिए, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए, बिना शर्त 6 साल आप हुकूमत करिए। उस वक्त क्या कहा पीडीपी वालों ने? कहा कि ये पिछले दरवाजे से हुकूमत पकड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आ रहे हैं। हमें ताने दिए, हमें कहा अब बैठो 6 साल ऑपोजिशन में, हम खामोश बैठे। फिर 2016 आया, महबूबा जी की पार्टी टूट रही थी, उस वक्त हम लोग हैं जो राजभवन गए, जिन्होंने गवर्नर साहब से कहा कि मत होने दीजिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है इस तरह का तोड़ मरोड़ की सियासत, इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्या ये हमारी खुद गर्जी थी? 2018 महबूबा जी आपने अल्ताफ बुखारी हमारे पास भेजा था, आपने उस वक्त कहा था कि अल्ताफ बुखारी को आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे, आपने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने उफ तक नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने रातों रात चिट्ठी पे दस्तखत किए और गवर्नर साहब के पास भेजे आपके अल्ताफ बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, ये क्या हमारी खुदगर्जी थी? क्या ये हमारी खुदगर्जी का सबूत है? इल्जाम लगाना बहुत आसान है, आप जरा अपना बताइए ना, आपने क्या किया? आप जरा अपना बताइए, आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ? जब यहां तबाही और बर्बादी मची थी आप क्या कर रही थी? जब आपके पास मौका था यहां के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए, आप किनकी तर्जुमानी कर रहे थी? हमें मालूम है मियां साहब उस वक्त असेंबली में थे, शौकत उस वक्त काउंसिल में था, सकीना थी, बाकी थे, मुझे आपकी तकरीरें याद हैं, आप थकती नहीं थी जनाब मोदी साहब की तारीफ करते करते, रिकॉर्ड गवाह है आपकी एक एक तकरीर, आपकी एक एक तकरीर मुझे याद है जो आपने असेंबली में हमारे सामने की, जो आपने काउंसिल में इनके सामने की, जिसमें आपने ये कहा कश्मीरियों को कि अगर एक आदमी है इस दुनिया में जो हमारे मसले हल कर सकता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है, तो किए मसले हल? मिला कुछ हमें तबाही और बर्बादी के अलावा? क्या मिला? हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, हमारा वजूद, सारा कुछ तहस नहस हुआ। आज हमसे पूछा जाता है कि 370 ने लोगों को क्या दिया? चले नाम और कुछ नहीं दिया, लेकिन इस 370 के तहत जनाब बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को जमीन के मालिकाना हक दिए।